खाते हुए सरकारी गल्ले की दुकान से सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्यान्न को ब्लैक करते समय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा और संबंधित विभाग और पुलिस को दी सूचना। बताते चले कि सिद्धार्थनगर सदर थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी नगर पालिका कटर में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से ठेले द्वारा 6 बोरा खाद्यान्न ले जाते समय चालक समेत खाद्यान्न को अखिल भारतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रंगों हाथ पकड़ लिया, जिसकी दौरान कोटेदार मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और संबंधित विभाग को दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर उप जिलाधिकारी नौगढ़ उमेश चंद्र निगम, सप्लाई इंस्पेक्टर शिव प्रकाश त्रिपाठी, नौगढ़ क्षेत्राधिकारी नौगढ़ दिलीप कुमार सिंह, थाना प्रभारी सदर राजेंद्र बहादुर सिंह, मैं पुलिस बल के साथ पहुंचकर खाद्यान्न सहित चालक को कब्जे में लेते हुए कार्यवाही में जुटी। वहीं जिला पूर्ति विभाग अपने कार्यवाही में जुटी देखी गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि दोषी कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जिला मामला। मामला क्या? मामला ये है कि ये रेगुलर वे में और हमारे संज्ञान में आया कि एक हफ्ते से ये कार्य चल रहा है और ठेला ये रेगुलर जाता था यहाँ हमारे बगल में पुरानी सब्जी मंडी में गल्ले की दुकान है प्रमोद जायसवाल की, और ये रेगुलर वे में 8 कट्टा 10 कट्टा डेली जाता था। चूँकि आज हम गुरुद्वारे में अपना भोजन वितरण के लिए भोजन बनवाने के लिए जा रहे थे तो संजोग से ये ठेला दिखा। हम लोग पूछ बैठे ठेला किसका है, उसने कहा कि ठेला हमारा है और प्रमोद जायसवाल को हम बेचने जा रहे हैं। तो ये डेली रेगुलर डे में बिकता है। तो किस प्रकार का खाद्यान्न है? ये चावल है। ये चावल कैसा चावल है? ये सरकारी कोटे का चावल है जो गरीबों में वितरण हो रहा है इस समय। जो मोदी सरकार जी ने ये गरीबों को बिना पैसे का गल्ला देने को कहे हैं, वही चावल ये है जो आज रंगे हाथ इस ठेले वाले की तरह इधर आओ। ये ठेला वाला है, यही ठेला वाला ला रहा था। तुम बताओ कि चावल कहाँ ले जा रहा है, अब कौन दे रहा है, क्या नाम आपका? पिताजी का नाम? रहने वाले कहाँ थे? ये ठेला किसका है? ये जो खाद्यान्न कहाँ ले जा रहे थे? किसने कहा? ये वकील लेकर कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे बताओ, किसके वहाँ? कौन ये प्रमोद कौन है, क्या करते हैं प्रमोद जी? तो वो चावल आवाज पे जा रहा था। अच्छा, ये आपको जानकारी नहीं किस प्रकार का खाद्यान्न है? ये आपको जानकारी नहीं था? कुछ नहीं जानकारी, हम तो घर जा रहे थे, बोल रहे हैं लाभ लो तो हम लाभ लिए। बेचने जा रहा था किसी व्यापारी को, उसके संबंध में सप्लाई इंस्पेक्टर गए हैं, जांच किए हैं, उसको अपने कब्जे में ले लिए, आगे कार्रवाई चल रही है। जो कोटेदार का नाम वो मोहम्मद वकील कोटेदार है। तो आप द्वारा कार्रवाई क्या होगी? जो भी बनेगा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की। सर, जैसे कि समय लॉकडाउन चल रहा है, आप द्वारा इतने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, गरीबों तक राशि पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ आप द्वारा एक्शन क्या होगा? देखिए, अभी तक हमने ऐसे किसी को छोड़ा नहीं। अभी तक 11 मुकदमे हम पंजीकृत करा चुके हैं ऐसे कोटेदारों के खिलाफ जिन्होंने कालाबाजारी किया या घटौली जैसी कार्रवाई की। इनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई अमल में ला जाएगी। किसी के साथ कोई मनोबत नहीं की जाएगी, ना उनको बख्शा जाएगा।